तीन दशक पुरानी परंपरा के चलते मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में आजादी का सालाना पर्व 10 अगस्त को ही मना लिया गया। दरअसल इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे इस प्राचीन मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हिंदू पंचांग के आधार पर मनाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहितों और यजमानों की संस्था ज्योतिष एवं कर्मकांड परिषद के अध्यक्ष उमेश जोशी के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजी राज से आजाद हुआ तब हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, लिहाजा भगवान शिव के मंदिर में हर साल इसी तिथि के अनुसार पूजा पाठ कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार यह तिथि 10 अगस्त को पड़ी, लिहाजा हमने अपनी परंपरा के अनुसार इसी तिथि को पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। इस दौरान दुर्वा मतलब पूजन में प्रयोग होने वाले खास तरह की घास के जल से अष्टमुखी शिवलिंग का अभिषेक किया गया और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की गई। आपको बता दें कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा साल 1987 से जारी है। टीम न्यूज़ नाउ।